हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड है सोल का, रेगुलर का और एनसीबीएफ का कब तक आएगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा आप सभी के जो एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और सोल के बीए प्रोग्राम को छोड़कर बाकी सारे कोर्सेज़ के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 27 फरवरी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, और जिसमें बीए प्रोग्राम का जो एग्ज़ाम है वो 4 मार्च से आपका सोल के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी तक काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट मैंने देखे और मोस्टली जो कमेंट थे वो इसी को लेकर थे, सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा, हमें हमारा सेंटर कैसे पता चलेगा कि कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है, और जो एडमिट कार्ड आएगा उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्या, हमें कॉलेज जाके लेना होगा। तो ये इन सारी चीज़ों पे ही आज मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका। तो अगर आप सोल के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म या कोई भी फॉर्म नहीं भरना है एडमिट कार्ड के लिए। आपका जो एडमिट कार्ड है वो डायरेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। और अगर मैं बात करूँ रेगुलर और एनसीबीएफ वालों की, तो जब तक उनका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट नहीं होगा, जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर लिया होगा उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट नहीं किया होगा उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। बट सोल में ऐसा कुछ फंडा नहीं है। सोल का सिंपल फंडा यही है कि आप एडमिशन के टाइम पर अपने एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस भी पे करते हो और एडमिशन फॉर्म भी पे करते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई फॉर्म पे करना है या कुछ फिल करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट के मन में, सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो एडमिट कार्ड जो है आपका जो पहला एग्ज़ाम है, मान लीजिए जैसे मेरा एग्ज़ाम 27 तारीख को पहला है, तो 27 तारीख से एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन पहले, दोबारा बता रहा हूँ, 2 से 3 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड है वो सोल की वेबसाइट पे ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड लिंक आ जाएगा। जैसे आ जाएगा हम आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है उसको, कैसे निकालना है, क्या क्या डिटेल्स है जिनको फॉलो करना है, आ जाने दीजिए, हम आपको अपडेट कर देंगे। तो और बीए प्रोग्राम का जो एडमिट कार्ड है उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बीए प्रोग्राम के जो एग्ज़ाम से वो मार्च में हो रहे हैं सोल वालों के। तो बीए प्रोग्राम के वही आपका पहला एग्ज़ाम के 3 से 4 दिन पहले, यानी 2 से 3 दिन भी आप मान सकते हो, क्योंकि एक वीक बोला जाता है। बट सोल में कई बार ये देखा गया कि इनका हर काम लेट ही होता है, तो एडमिट कार्ड भी आपका लेट ही आता है, यानी एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिनका 27 तारीख को पेपर है उनका 25 तक मुझे लगता है एडमिट कार्ड आ जाएगा। जैसे आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, और बिल्कुल टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा मैं आपको बता देंगे। बाकी रेगुलर और एनसीबीएफ वालों का जो एडमिट कार्ड है वो सोल से पहले आता है, उनका तो 1-2 दिन में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, कोई पेमेंट नहीं करनी, कहीं नहीं जाना, आप अपने फ़ोन से ही इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।